Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 3, दादी का गांव. इस पार्ट को पढ़ने से सबसे पहले हम करते हैं डिफिकल्ट वर्ड. रेलगाड़ी, घोंसले, सुथरी, थकान, पाठशाला, हरियाली, किनारे, चहचहाट. दादी का गांव शहर से बहुत दूर है. पहले वहाँ बस नहीं जाती थी, अब वहाँ बसें जाती हैं. गांव में बिजली भी आ गई है. गांव में सड़क बन गई है. वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती. वहाँ घास फूस के बहुत मकान है. वहाँ एक पाठशाला भी है. दिन में लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं. रात को ऐसे बड़ों को पढ़ाया लिखाया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं. गांव की गलियां साफ सुथरी हैं. दूर तक चारों ओर हरियाली ही हरियाली है. गांव की औरतें और आदमी खेतों में काम करते हैं. ठंडी हवा खेतों में काम करने वालों की सारी थकान दूर कर देती है. खेतों के किनारे किनारे आम और जामुन के पेड़ हैं. यहाँ पेड़ नहीं काटते. इन पेड़ों पर पंछियों के घोंसले हैं. शाम को पंछियों की चहचहाहट मन को मोह लेती है. यहाँ भाग दौड़ नहीं है. सब मिलजुल कर रहते हैं. मुझे बार बार दादी के गांव जाना बहुत अच्छा लगता है. नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज. और एक्सरसाइज में हम सबसे पहले देखते हैं सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. वहाँ एक पाठशाला थी या दुकान. वहाँ एक पाठशाला भी है. औरतें और आदमी कहाँ काम करते हैं. आंगन में या खेतों में. खेतों में. नेक्स्ट है पंछियों की क्या चीज मन को मोह लेती है. आंखें या चहचहाहट. चहचहाहट. नेक्स्ट है गांव शहर से क्या है. दूर है या पास. दूर. गांव में चारों ओर सूखा है या हरियाली. हरियाली. नेक्स्ट आता है आपका हाँ या ना में उत्तर लिखिए. क्या गांव में बस जाती है. हाँ. क्या गांव की गलियां साफ सुथरी है. हाँ. क्या गांव में पेड़ काटते हैं. नहीं. क्या गांव में घास फूस के मकान है. हाँ. क्या गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं. हाँ. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. गांव में क्या आ गई है. बिजली. अगर आपको एक वाक्य लिखना है तो आप बिजली लिखेंगे. अगर आपको बड़ा आंसर लिखना है तो गांव में बिजली भी आ गई है. गांव में क्या नहीं जाती. रेलगाड़ी. ठंडी हवा क्या दूर कर देती है. ठंडी हवा थकान दूर कर देती है. पेड़ों पर पंछियों के क्या है. पेड़ों पर पंछियों के घोंसले हैं. लड़के लड़कियां पाठशाला में कब पढ़ते हैं. लड़के लड़कियां पाठशाला में दिन में पढ़ते हैं. और रात के टाइम किसको पढ़ाया जाता है. जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनको रात के समय पढ़ाया जाता है. फिर आता है सही शब्द चुनकर जोड़े बनाइए. घास फूस. पढ़ाया लिखाया. साफ सुथरी. भाग दौड़ मिल जुल. पढ़े लिखे. किनारे किनारे. दूर दूर. बार बार. लड़के लड़कियां. इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5. वाक्य बनाइए. वाक्य बनाइए में सबसे पहले आपको दे रखा है हरियाली, थकान, मोह, भाग दौड़ और शाम. हरियाली. दूर तक हरियाली ही हरियाली थी. थकान. ठंडी हवा से सारी थकान दूर हो जाती है.
मोह पंछियों की चहचहाट मन मोह लेती है। भाग दौड़ हमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। शाम शाम के समय पंछियों की चहचहाट मन मोह लेती है। ये है आपका चैप्टर नंबर 3। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।